रिक्शा चालकों पर इन दिनों बढ़ते चालान और हो रही कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आंदोलन का रुख अपनाया है। आज वैरायटी चौक में ये आंदोलन किया गया। हाल ही में नागपुर शहर के ई रिक्शा चालकों में चिंता का माहौल बना हुआ है और वजह है उन पर होने वाला चालान। जहां इस संबंध में ई रिक्शा चालकों ने नागपुर वाहतूक शाखा के अपर अधिकारियों से बातचीत की, किंतु कुछ भी हल नहीं निकल पाया। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारियों का कहना है कि ई रिक्शा चालकों द्वारा रास्ता सुरक्षा नियमों का पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे कई दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाओं को टालने के मद्देनजर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद ई रिक्शा चालकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरण ली। इसके पश्चात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पिंटू महाराज के नेतृत्व में आज वैरायटी चौक पर ई रिक्शा चालकों के हित में आंदोलन किया गया। ई रिक्शा चालकों को न तो लाइसेंस दिया जा रहा है और न ही आधिकारिक तौर पर कोई मान्यता प्राप्त है। हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अब ई रिक्शा चालकों की ओर से नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अपील की है कि उन पर इस प्रकार चालान न काटे जाए और न ही कार्रवाई की जाए। ई रिक्शा चालकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ई रिक्शा चालकों को भी जिनके पास उनको पीयूसी मांगा जा रहा है, ई रिक्शा को पीयूसी लागू नहीं होता उसके बाद भी उनको पीयूसी मांगा जा रहा है, उनसे अलग प्रकार का लाइसेंस मांगा जा रहा है। इन लोगों ने लाइसेंस की अप्लाई किया था आरटीओ में, उन आरटीओ साहब को भी ये नहीं मालूम कि किस कैटेगरी में इनको लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद भी इनका चालान लगातार नागपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से फड़ा जा रहा है और जो डीलर लोग हैं, डीलर लोग इनको बहका रहे हैं, डीलर लोग इनको मिसगाइड करते हैं, क्योंकि डीलरों का नियम होना चाहिए कि वो इन लोगों को नंबर प्लेट उपलब्ध कराएं, नंबर उपलब्ध कराएं, उनको इंश्योरेंस उपलब्ध कराएं, लेकिन डीलर लोग इनको देते नहीं हैं। और कई डीलरों ने ई रिक्शा बेच बेच करके भाग गए। आज ये ई रिक्शा चालक रास्ते में परेशान है और अगर बगैर नंबर के इनकी गाड़ी रोड पर चलती तो इनका चालान फड़ा जाता है, तो इनकी गलती क्या है? अगर जिस डीलर को मैन्युफैक्चरर कंपनी, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर कंपनी डीलिंग देती है, उसका काम है इनको नंबर प्लेट उपलब्ध कराए, नंबर उपलब्ध कराए, इंश्योरेंस दे, और इनका कौन से कैटेगरी में लाइसेंस दिया जाए, इस चीज़ का मीटिंग मैडम ने, डीसीपी मैडम से हमारी आज बात हुई। डीसीपी मैडम के पास हम लोग गए थे, डीसीपी मैडम ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम लोग एक मीटिंग लेंगे। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।